अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अच्छी खबरें न्यूज़ के साथ में हूँ आयशा कमल। लाहौर से ब्यूरो चीफ कामरान मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकजी रहनुमा मोहम्मद शदाब रजा नक्शबंदी की क्यादत में वफद की वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी से इनकी रहाइशगाह पर मुलाकात। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और तहरीक इंसाफ का आपस में रवाबत बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और गैर मुस्तकिम मुआशी हालात पर तबादला ख्याल। इस मौके पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान के गैर मुस्तकिम मुआशी हालात, अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल समेत तमाम मसाइल का हल फौरी इंतखाबात में पिनहा है। बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई मईशत हुक्मरानों की गैर मुतवाजन पॉलिसियों का नतीजा है। पाकिस्तान के तमाम तबका तहरीक इंसाफ के नजरिए की तरफ आ रहे हैं। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शदाब रजा नक्शबंदी ने कहा कि करप्शन ने मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है, महंगाई ने गरीब की कमर तोड़कर रख दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और निजाम इस्लाम से इन मसाइल को हल किया जा सकता है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक नजरिया पाकिस्तान और आइन पाकिस्तान के मुहाफिज पाकिस्तान फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए शदाब रजा नक्शबंदी ने कहा कि आलम इस्लाम और बिलखसूस आलमी बरदरी को मसला फलस्तीन को संजीदा लेना चाहिए। आलम इस्लाम को इतिहाद का भरपूर मुजाहरा करते हुए फलस्तीन के लिए आवाज उठाना चाहिए। वफद में डॉक्टर अमरान मुस्तफा खोकर, जाहद हबीब कादरी, सरदार मोहम्मद ताहिर डोगर शामिल थे। इस मौका पर मखदूम हुसैन हुसैन कुरैशी भी मौजूद थे।